एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। फोर्टे संस्था ने प्रोड्यूसर को उसकी अपनी जिम्मेदारी पर अस्पताल में सिर्फ फिल्म शूटिंग की अनुमति भर दी है। एक जिम्मेदार संस्था और एक ब्रांड के नाते फिल्म में दिखाई गई किसी भी घटना, इलाज प्रक्रिया या डॉक्टरों, नर्स और अन्य कर्मचारियों की हरकतों को फोर्टिस किसी भी किस्म की मान्यता नहीं देता। फोर्टिस ईमानदारी, नैतिकता और टीम वर्क में ही विश्वास रखता है। आलोक, हाँ बेटा, खुश रहो। हाँ लेकिन कल तक तो ठीक है, तो मैं कल ही पहुंचता हूं। मतलब आलोक, वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा क्या करना है। फोन रखो। क्या हो गया आलोक? फोन था, देविन की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। कह रहा था कि डॉक्टर ने कहा कि घर में सबको बता दो। सो बता रहा हूं, लेकिन ऐसे दौड़ के आने की जरूरत नहीं है। वो मुझे बताएगा कि क्या करना है। हाँ तो फिर अभी दौड़ने वाली कोई बात हुई नहीं होगी ना, डॉक्टर ही जब कह रहा है। अच्छा ऐसा है तो रात के 12:30 बजे कोई फोन नहीं करता। तो तुम्हारा मतलब क्या है कि सैडनेस हो जाने तक वेट करें? हम सब कल सुबह मुंबई जाएंगे। अरे हम सब मतलब, अरे वो देखो ना, कादंबरी क्या अपने पति को संभालेगी या मेहमानदारी करेगी क्या? मेहमान? मैं मेहमान हूँ? अरे भाई हूँ उसका, छोटा भाई है वो मेरा। और कादंबरी बेचारी किस कुछ को देखेगी? सो तुम उसका हाथ बटाओगी? अब ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। अरे मैं इसलिए कह रही थी कि देखो, अब 4-4 टिकट है, कितने महंगे मिले, क्या हिसाब रहे। और फिर आलोक तो कह ही रहा है ना कि अभी आने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो ना, तुम चले जाओ और कुछ होगा तो फिर हम तो आ ही जाएंगे पीछे पीछे। अच्छा देवेन मेरा भाई है तो तुम्हारा कुछ नहीं है, बच्चों का कुछ नहीं है, है ना? मतलब अब मौका है तो उसको जाने से पहले एक बार देखना नहीं चाहोगी? बच्चे नहीं मिलेंगे। उधर मेरे भाई का कुछ ठीक नहीं है और तुम पैसों का हिसाब लगा रही हो। अरे जल्दी तो तुम्हें पड़ रही है, तुम्हें तो कह रहे हो ना कि आखिरी दर्शन कर लो, आखिरी बार मिल लो, है? अच्छा ये बताओ, ये अपने भाई की फिक्र हो रही है या उस फ्लैट की? बस बकवास करवा लो तुमसे, जब मुंह खोलोगी। ये कोई वक्त है उस बात का? मेरा भाई है ना, तुम्हारे घर से कोई होता तो पता लगता। मेरा भाई है, लगाओ एक एक पैसे का हिसाब। अरे हिसाब करते ना तो हमारे घर के घर हो जाते, लेकिन सारी करतूत जानते हैं जिस भाई के लिए आप दौड़े चले जा रहे हैं। इस वक्त भी नहीं बख्शोगी उसको, है ना? सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर बदनाम करती हो मेरे भाई को। अरे तो हम तो ये कह, बस कोई बहस नहीं, हम सब कल सुबह मुंबई जाएंगे। अरे तो क्या अभी दौड़े चले जाओगे? अच्छा तू जा रहा है? हाँ लल्ली दी, बल्कि हम सब जा रहे हैं। सभी जाओगे? देख जी, तू तो अपने जीजा जी को जानता है ना, है ना? अब कह रहे हैं कि उधर जाने की अभी क्या जरूरत है,
जब देवेंद्र के बेटे ने फोन करके बोल दिया है कि अभी जरूरत नहीं है, तो फिर ये जाहिलों की तरह क्यों जाना भाई? जाहिल? हम जाहिल हैं? उधर हमारा भाई सीरियस है, पता नहीं कब सैडनेस हो जाए, और तुम्हारे पति देव हद है। अरे अरे जीतू, तू इनकी बात को क्यों मन में लगा रहा है? मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। अरे छोटे को किसी ने बताया कि नहीं? ना फिक्र मत करो आप दीदी, रविंदर को मैं फोन करूंगा। और लली दी चिंता मत करना, मैं तो जा ही रहा हूँ, खबर भेजता रहूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, खबर भेजते रहना। दो दिन बाद सब ट्रेन से भी तो जा सकते थे, लेकिन नहीं, प्लेन से चलो। अरे लेकिन आलोक ने तो कहा है कि दौड़ के आने की जरूरत नहीं है। छोड़ आलोक को, बच्चा है वो, उसे क्या पता। जब तब तक कह रहा है कि कुछ कह नहीं सकते तो कुछ उधर का हुआ तो। अरे वही तो ना दादा, जब डॉक्टर ने कहा है कि कुछ कह नहीं सकते तो संभावना तो इधर की भी हुई ना। बिजी है, कल रात आलोक का फोन आया है, आज सुबह उठा के सबको लेके निकल पड़े हैं, वो भी प्लेन से। हड़बड़ू मले हैं एकदम, साफ कुछ बोल नहीं रहे हैं और ऊपर से हिंट भी मार रहे हैं। मैं तो जाऊं ना। अरे लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरी मीटिंग है एक दो दिन में, उसको निपटा के ही जाऊं। हाँ तो बाद में ही जाना। अनु, तुम अपने मृत्युंजय भैया से बहुत दिनों से नहीं मिली हो ना? ना बिल्कुल नहीं। पता है क्या कहने वाले हो, तुम्हारे बदले मैं नहीं जाने वाली। अरे यार वहाँ मेरा भाई बीमार है और तुम यहाँ हिसाब लगा रही हो। बेकार बात का बतंगड़ ना बनाओ। अभी अपने भाई को समझा रहे थे कि दौड़ने की जरूरत नहीं, खुद मीटिंग खत्म करके जाने वाले, मुझ पर क्यों? जरूरत पड़ी तो बाद में जाऊंगी, तुम देख लो क्या करना है, तुम्हें नहीं रोक रही। अच्छा सुनो, खाना जरा सादा बनाना, बिना तेल मसाले का, भाई बीमार है। गई भी तो भैया के यहाँ रुकूंगी, आप लोगों के यहाँ नहीं। छोटा पहुंच जाएगा, सबसे छोटा पहुंच जाएगा, और घर की बड़ी बहन ना पहुंचे। छी छी छी, तुम ना मुझे अपने घर में उठने बैठने लायक नहीं छोड़ोगे। हाँ अरे रहने दो, एकदम गमारिक तेरे धाबा बोलने की जरूरत नहीं है। कादंबरी अपने पति को संभालेगी या तुम्हें देखेगी। अच्छा चलो ठीक है, मुझे नहीं तो शरद को भेज दो। मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता तू? अरे कॉलेज में प्रैक्टिकल का काम है बहुत सारे, शरद को भेज दो। ज्यादा बकवास मत कर, जैसा बाप वैसा बेटा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लगाई रखा है। सुना नहीं तूने शीशी को उधर रख। अरे मामा है तेरा वो। टोकन नंबर 16। मैं वैसा क्या कह दिया तूने, जितेंद्र भाई साहब पूरे खानदान को लेकर धमक गए। बताओ अभी तो जिंदा है, आ गया पूरा खानदान माता मनाने के लिए। ऐसे मत बोलो मां, भाई है वो पापा के, तो चिंता तो हो गई होगी ना। पता कितनी चिंता है, मैं जो चिंता में बनी जा रही हूँ, अब इनको देखो या पूरे खानदान की खातिरदारी करने में लग जाऊं। अरे कुछ सोच कर ही तो, बड़ी चाची भी साथ में आ रही है, आप ही का हाथ बटाएंगे। पता कितने हाथ बटाएंगे, पता इतनी जल्दी देखी हूँ दौड़े चले आ रहे हैं। भाभी को तो पूरा घर छाड़ना है, पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है। देख जब तक ये लोग यहाँ रहेंगे ना, मैं यही रहूंगी इनके पास, मैं घर नहीं जाने वाली। मुझे नहीं पता, बस तू देख ले क्या करना है। उनको अंदर वाला कमरा दे देना, फल मारू चेक कर लेना, वैसे मैंने चेक कर लिया लॉग ड्राइव। रसमलाई ना कर, ठंडी ठंडी। ठीक देखा तोड़ पड़े।
अमिताभ बच्चन का घर रास्ते में आएगा क्या? देखो देखो इनको, चाचा बीमार पड़े हैं अस्पताल में और इनको अमिताभ बच्चन याद आ रहे हैं। जाने दो साहब, बच्चा हो, वैसे भी उनका घर रास्ते में ही आता है, मैं दिखाऊंगा तुमको। हाथ मोड़ में आज की सबका अपना संताप है, जहां है सबके अपने डबले, सबका हो अपना राग है। आज किस युग में तुम देखो फैमिली का साथ है, आज किस युग में तुम देखो फैमिली का साथ है। हेलो भाई साहब, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ कैसे हो अभिषेक? अरे मेरी छोड़िए, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये देवेंद्र के बारे में क्या सुन रहा हूँ? अच्छा खबर पहुँच गई तुम तक? अरे भाई तो हूँ, खबर तो पहुँचेगी। अच्छा मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं आ जाऊँ? नहीं अभी रहने दो, मैं तो पहुँच ही गया हूँ, एक आध दिन में हाल चाल देख के बताता हूँ। ये ठीक रहेगा, जैसा आप कहें दादा। हाँ फोन रखो। लोग भी ना कुछ हुआ नहीं कि दौड़े चले आएंगे, जैसे इंतजार में हो कि बंदा गया कि नहीं। बताओ ला दे, ला भगवान खुशी ला बहन, पैसे दे, पैसे दे चल, नहीं दे भगवान खुशी दे बहन। इधर रहता है बॉलीवुड का बादशाह। ये कुड़ रहा, ये कुड़ रहा, शायद अमिताभ बच्चन होगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। क्या हुआ? कुछ हुआ? गेट खुला, गेट खुला, गेट खुला। चलो यहाँ से, ये कोई अमिताभ बच्चन देखने का टाइम है? कभी कभी संडे भी आता है। चलो यहाँ से, कभी कभी संडे भी आता है। हाँ हाँ सर। कोई शर्म नहीं आजकल के बच्चों को? सर वो बैंड चलाओगे तो लगाऊंगा। मुझे पक्का पता था, जैसे सुनोगे ना आईसीयू में गए आप दौड़ी दौड़ी, आप ही मेरा सहारा, आप पूछा लोग सुनेगा क्या होगा था ना लोग। अरे मेरी दौरानी हो मगर मेरी छोटी बहन जैसी हो। आलोक का जैसे ही फोन आया मेरा तो ऐसा दिल घबराया, ऐसा दिल घबराया। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा तुम प्लेन की टिकट कराओ, इस वक्त हिसाब मत देखो, कहा था ना मैंने। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा क्या फायदा अगर देवन भाई के साथ कुछ सैडनेस हो गई, वो इस दुनिया से चले गए तो फिर पहुंचे क्या होगा। मैंने कहा कोई हिसाब हिसाब मत देखो, प्लेन की टिकट कराओ, पता है दुगने दाम की टिकट मिल रही थी। मैं कोई बात नहीं, चुप चुप हो जाओ दोनों बहने। हेलो बेटा, मुझे मेरे भाई के पास ले चल। हाँ। देवन के पास ले चल बेटा। जी चलो भाई चल। एक सेकंड, इतने सारे लोग अलाउड नहीं है, आप दोनों चलिए, चलिए साथ में। हाँ। चल बेटा चल। देखिए कुछ करा दीजिए भाई, हाँ एक फैमिली इमरजेंसी आ गई है। अच्छा ठीक है, जब आप इतना कह रहे हैं तो आपके लिए कोशिश की जा सकती है जी। हाँ थैंक यू वेरी मच। खाली थैंक यू वेरी मच से थोड़ा ही काम चलेगा, डेट चेंज करना मेरे अकेले के हाथ में तो है नहीं। अच्छा ठीक है, फाइनल बिल में एडजस्ट कर लें। ना ना ये तो एक हाथ ले एक हाथ दे वाला मामला है भाई, और वैसे भी अगले को अपनी बात मनवाने के लिए लक्ष्मी से ज्यादा स्पीड पोस्ट नहीं है। अच्छा भिजवाता हूँ, कितना? 1,00,000। ज्यादा नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट भी तो छोटा नहीं है। हाँ लेकिन टेंडर भी तो आप ही। अरे आप बेफिक्र रहिए, समझो काम हो गया। है? हो गया काम। गजब बोल दिया आप, पक्का पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, बाय बाय। कितना मजाकिया है ना ये आगे वाला। ताऊ जी क्या कर रहे हैं, अभी अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकते,
मतलब यहाँ अस्पताल देखने आए? वो सब ठीक है चाचा जी, बट हम यहाँ कॉरिडोर में खड़े हैं, वही बहुत बड़ी बात है। बड़ी मुश्किल से तो गणपत ने जुगाड़ किया, अंदर जाना एकदम इम्पॉसिबल है। वो मेरा भाई है आलोक, छोटा भाई। भैया देखो, हम बहुत दूर से आए हैं, दुगने दामों पर टिकट मिलनी थी, चार टिकट खरीद के आए, आप समझ रहे हैं ना, दुगने दाम पे। आंटी मैं करता हूँ ना, कुछ कुछ करता हूँ मैं। अंदर जाने का नहीं, उनको बोलो 500 रुपए देना। 500? अभी तो कॉरिडोर में लाने का तुमको 500 रुपया दिए। हाँ दिया ना, मैं किधर नहीं बोल रहे, वो खर्चा हो गया। लेकिन किधर खर्चा हो गया, कब से तो सामने खड़े हो। अरे इधर लाया ना, वो ही खर्चे। ठीक है एक सेकंड, तुमको देने का तो दे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। स्मार्टफोन है मेरे पास, है तो तुम्हारे पास होएगा ही। जरा नंबर इसके ऊपर डाल दो, नंबर डाल दो, भरोसा रखो ना, डाल दो नंबर, नंबर डाल दो ना। तब अभी आता है मैं, अंदर जाने का नहीं है, आता है। इधर रुको, इधर रुको, रुको इधर। व्हाट्सएप है ना? हाँ अभी फोटो भेजते है, अपना पहचान लेना। अरे बट मेरा देवी, मेरा भाई, सोच रहा हूं कि बुकिंग करवा ही लूं, कुछ हुआ भा गया तो दादा सारी जिंदगी सुनाएंगे। वैसे भी देवू भैया को लेकर मैं बदनाम ही रहता हूं। हेलो विंडमिल ट्रेवल्स भाई, एक टिकट करवानी थी। नहीं नहीं, इस बार प्लेन की करानी थी। तो आज रात के मुंबई के फ्लाइट का कितना हो जाएगा? ठीक है। और कल रात का? अच्छा ठीक है। और परसों रात का? अब परसों रात का भी इतना ही ज्यादा है? अच्छा देखिए, कुछ सैटरडे का हो सकता है? कुछ सैटरडे संडे का सबसे ज्यादा होता है। हाँ ठीक है, फिर अगले मंडे का ही करवा दे। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे नहीं भाई, सुबह 5 बजे उठ के कौन जाएगा? देखिए 10-12 बजे का नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, तो 5 बजे का ही करा दीजिए। हाँ इसी बहाने सुबह उठ जाएंगे, एक दिन क्या है। ओके मैं पैसे भिजवाता हूँ, थैंक यू। पैदल ही चले जाओ, मुफ्त में पहुंच जाओगे। अब तुम ज्यादा बोलो मत समझी ना, आलोक ने कहा नहीं था कोई इमरजेंसी की बात नहीं है। और वैसे भी देवू भैया कोमा में, उन्हें क्या पता चलेगा मैं आज पहुंचूं या 5 दिन बाद पहुंचूं। दादा से मैं बात कर लूं। दीपक, और क्या पहुंच गया मुंबई? अरे हाँ यार, पापा दौड़ा कर लिया है। 2 दिन हो गए, चाचा तो कहीं जाते दिख नहीं रहे अभी। अबे चाचा को कुछ ना हुआ, तू पहले ये बता मुंबई कैसा है? मस्त है यार, एकदम मस्त। तुझे पता है हर 10-15 कदम पे ठेका है, इतना बड़ा शहर है कोई नहीं देखता। अभी मेरे हाथ में कैन है और कोई नहीं देख रहा। अच्छा अपने शहर जैसा नहीं कि कोई देख लिया तो रायता फैल जाता है। हाँ यार, यहाँ की लड़कियाँ आंखें सूख जाती है, तेको पता है? अपने शहर जैसी भेंजिया नहीं है यहाँ पर, बहुत अलग है। अच्छा सुन ना, रुक मैं तुझे कुछ भेजता हूँ। हाँ भेज 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 भेज। आपके पिताजी यूं तो सेमी कॉन्शियस स्टेट में है, पर फिलहाल उनकी तबीयत पहले से जरा बेहतर है। अरे वाह डॉक्टर साहब, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है आपने। नहीं नहीं, हाँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। देखिए अगर उनकी तबीयत और नहीं बिगड़ी, वो ही देन वी हैव चांसेस।
हाँ बोल रविंदर। दादा आप ठीक कह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। फैमिली की बात है ना, सगा ब्रदर है, मैंने बोल दिया कंपनी में कि देखो भाई आप लोग संभाल लो, मुझे जाना है तो जाना है। फ्लाइट की भी टिकट करा ली मैंने दादा। अरे सुन तो छोटे। हाँ दादा। अरे डॉक्टर कह रहे हैं कि देवेंद्र की हालत ठीक हो रही है। हाँ अब तुझे एकदम आने की जरूरत ना है। ठीक हो रहे? हाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा तूने मेरी बात रख ली। अच्छा दादा मैं फोन करता हूँ, मैं फोन करता हूँ दादा, अभी फोन करता हूँ। यही तो प्यार। जी आप क्या बोल रहे हैं रवि चाचा? अरे सब ठीक हो जाएगा, बी पॉजिटिव। हाँ मैं मिस्टर रविंदर बोल रहा हूँ जी। हाँ अभी मैंने बॉम्बे का टिकट कराया था ना, इंदौर बॉम्बे वाला। हाँ 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 वही वही वही, कैंसिल कर दीजिए जी। कर देंगे लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, यहाँ से पैसे कटेंगे, बता दे रहे हैं। फिर ये मत कहिएगा कि क्यों कटे, कैसे कटे, कहाँ कटे। अरे ऐसे कैसे कटेंगे आधे? सर कंपनी का नियम है, बताइए क्या करना है। 5 मिनट बचे हैं, उसके बाद पूरे पैसे कट जाएंगे। जल्दी बताइए क्या करना है सर, जल्दी बताइए क्या करना है, बहुत काम है। अरे करना क्या है, कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। मैं कभी नहीं बैठूंगा आपके फ्लाइट में, आपके प्लेन में कभी नहीं चढ़ूंगा मैं, कंप्लेन करूंगा मैं। हाँ हेलो, सुबह सुबह 6,000 रुपए का नुकसान। अरे शर्मा जी। अरे रवि बाबू कैसे याद किया भाई, क्या हाल चाल है? बहुत ठीक बहुत ठीक। कैसे हैं आप, क्या हुआ मीटिंग का? जी देखिए अभी कुछ तय हुआ नहीं है, होता ही आपको बताते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं वो पुराने डेट पे ही कर लेते हैं मीटिंग, अगर चेंज नहीं हुआ है तो। शर्मा जी देखिए अच्छा रहेगा वो डेट, और 1,00,000 रुपए भी बच जाएंगे ना। अरे रवि बाबू सुनिए, पैसा तो पहुंच गया, जहाँ जहाँ उसे जाना था। अरे नहीं 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 शर्मा जी देखिए ऐसे, अरे आप समझो काम हो गया, अब तो मैं आपके लिए डेट बदलवा के ही रहूंगा, माई प्रॉमिस। हाँ जी हाँ चलता हूँ। सुनिए हरामी 1,00,000 रुपए खा गया, कैसा दिन है भाई, पहले 6,000 फिर 1,00,000। गुड मॉर्निंग। कुछ पता चला? किसका? फ्लैट का। अजीब, ये कोई वक्त उसके बारे में सोचने का? समझ सकती हूँ, बाप ने फ्लैट भाई के नाम कर दिया, भाई अस्पताल में बीमार पड़े हैं, देखो बीवी बेटा क्या, सुना एक और फ्लैट है उनका। अरे बस करो, बेकार अपनी पुंगी बजा रही है। अरे बाबा जब बहुत बीमार थे तब देव के पास अपना घर नहीं था, मैंने और अपने छोटे ने अपना मैनेज कर लिया था। छोटा तो खैर अपने ससुर के दिए हुए घर में रहता है, बाबा ने फ्लैट देव के नाम कर दिया और हमसे कहा देव के बाद इस फ्लैट का क्या होगा, अगर ये मुझे वसीयत में लिख के जाना पड़े तो लानत है तुम तीनों भाइयों पर, इतना विश्वास है हम तीनों भाइयों में, समझी? देव वही करेगा तो सही होगा। हेलो कैसे हैं शर्मा जी? हम तो ठीक है, आप बताइए। मैं तो ठीक हूँ भाई, मैंने बस यूं ही फोन किया था ये पता करने के लिए कि कल का सब सेट है ना शर्मा जी। अरे रवि बाबू हमने आज तक आपको कभी निराश किया है? जॉब कर देंगे। अरे आप तो चद्दर तान के आराम से सो जाइए, समझो आपका काम डन। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई शर्मा जी। कल मिलते हैं, गुड नाइट। दादा अरे छोटे देवन की हालत तो बहुत बिगड़ती चली जा रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, तू देख ले। अरे दादा देखिए संभालिए अपने आप को, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी हम हैं ना दादा, ऐसे मत कीजिए। देख ले मैं फोन रखता हूँ, औरों को भी फोन करना है ना। हाँ मुझे बताना तो बता दिया ठीक है, अब तू देख ले अपना। क्या हुआ? बात तो वही की वही रह गई, कल मीटिंग फिर से कैंसिल करानी पड़ेगी। पता नहीं कुछ है भी या नहीं, दादा की तो आदत है हर बात को बड़ा बना देना। जाने दो, ये वक्त नहीं है नफा नुकसान देखने का, और हम नहीं गए और कुछ हो गया तो जिंदगी भर सुनाएंगे।
ले लो सुबह की 3 टिकटें, वही सस्ता पड़ेगा। देखिए पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा ताकि इलाज जारी रख सके, वरना ये तो लगा दीजिए ना। पूछ क्या रहे हैं? फैमिली से परमिशन लेना होता है कि वो क्या चाहते हैं। पेशेंट का डेली खर्च काफी बढ़ जाता है। हाँ तो डेली खर्चा बढ़ जाता है मतलब कितना? इन योर केस लेट्स से 75 to 80,000 अ डे। मतलब आपका जो ये वैल्यूएटर है वो वेंटिलेटर वही, मतलब ये बाईपास नहीं हो सकता, मतलब अवॉइड। इलाज में वक्त लगेगा, तब तक शायद पेशेंट दम तोड़ दे, सांसें चलती रहेंगी तो हमें वक्त मिलेगा, हो सकता है पेशेंट ठीक हो जाए, समझे? ओके ओके, तो कितने दिन रखना पड़ेगा? ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कम से कम दिन हो। नहीं नहीं, फिर भी कुछ आइडिया अंदाजा तो। इससे पहले इनकी सांस अटक जाए कुछ डिसाइड कर ले भाई साहब। हाँ डॉक्टर साहब, आप कीजिए जो भी जरूरी है, मेरी रजामंदी प्लीज। यस मैम। ये सब कैसे हो गया? पहले आलोक फिर जीतू भाई साहब दोनों मना करते रहे, फिर हमने तय कर लिया किसी की नहीं सुनेंगे, बस आपके पास आ ही गए। फ्लैट का कुछ पता चला? कुछ नहीं होगा देवू भैया को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमने कब मना किया? क्या बोल रही तेरी औरत, मैंने तो सुनने छोड़ दिया दादा। चाचा नमस्ते। अरे दीपक आओ आओ। नमस्ते नमस्ते। मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा बिजी था तो दीपक ने कहा मैं चले जाता हूँ। अरे भाई हम समझ गए, ठीक है तुम नहीं आ सकते इसलिए तो तुमने अपने बेटे को भेजा है ना, हाँ तो ठीक है रहने दो, तू अकेले मजा करेगा। जी जी जैसा आप। अरे भाई ठीक है ठीक है, समझ गए। हाँ फोन रखो, रोमिंग चार्ज लग रहा है। लेकिन मैं क्या ले बेटा? कहा है कहा तू, चैट पे तो बड़ा दम दिखा दिए, अब क्या डर गई? मैं नहीं डरती, तुम कहा हो, दिखाई क्यों नहीं देते? उफ, दिखाई क्यों नहीं देते? क्या मस्त आवाज है तेरा, सेक्सी एकदम एकदम हीरोइन के मापी। हट। उफ, क्या बात है क्या बात है। हाय इतना बड़ा तेरा पेश निकल रहा है। कैसा है मेरा देबू? ठीक है ठीक। ये शरद भी बेचारा, ऐसी माया अपने मामा से सारा काम छोड़ कर दौड़ा आया मेरे साथ बेचारा। व्हाट्सएप उसको फॉरवर्ड किया था। कैसे दुबले हो गए हो तुम सब। ललिती हाँ बैठी रहे बैठी रहे। मैं ना कहता मुझे क्या हालत बना ली तूने। मैं कादम्बरी अपना सामान इनके भाई साहब के छोड़ के आई हूँ, वहीं पे ठहरू मैं, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती मैं। मुझे ना तुम लोग दीपू के ले चलो, मैं बाबा की भूभूति लेके आई हूँ और ये लगाते ही ना वो घोड़े की तरह दौड़ना शुरू कर देगा। घोड़े की तरह मत देखो ना। हंसते रहे बेटा, चुप कर।
चलो आओ, चल चल मेरे चल, को चल, 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 नहीं फिलहाल आप नहीं जा सकती है? वो ललित वेंटिलेटर लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो अभी नहीं, मतलब क्रिटिकल है इस बात पर भी पूछती अभी लगाएंगे बाद बाद में लगाएंगे कुछ नहीं बनना चाहती इस वक्त हाय क्या लग रही है रे तू तेरा आवाज भी माँ कसम तू हीरोइन बनने के लिए पैदा हुई रे चल छुट्टी अरे सच्ची बोल रहा मैं गॉड प्रॉमिस देख एक दो लोग से बात भी किया तेरे वास्ते अब तेरे को देख के ना एकदम कंफर्म हो गया मैं मिलवाएगा एक दो डायरेक्टर से मिलवाएगा तेरे को सच्ची अरे मुच्छी रॉकी का प्रॉमिस अब तेरे को कब से बोल रहा है अभी से बाहर निकल बम्बई या तेरे को कहाँ से कहाँ पहुंचा था देख बाय अब मैं जा रही हूँ हम फिर मिलेंगे ओके रुक ऐसी चली जाएगी सच्ची का देना इतने दिन से चैट पे तड़पा रही है चल हट हाय बाला भैया का वो थप्पड़ मुझे अभी भी याद है अम्मा के बटुए से अठन्नी निकाल रहा था मैं आइसक्रीम के लिए और उन्होंने देख लिया एक जोरदार थप्पड़ मारा था मुझे लेकिन उस थप्पड़ ने इंसान बना दिया मुझे अरे हम दोनों तो जैसे साथ जुड़े हुए थे दो साल छोटा था उससे है सब कुछ बताता था है कभी कुछ नहीं छुपाया है कभी कुछ नहीं छुपाया बताऊंगी मुझे तो दीदा कहता था दीदा ये दे दो और अब मरने वाला है रिंग 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 बनाना फोन रिंग 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 बनाना फोन मैंने क्या की इतनी लेट क्यों फोन किया तुमने रॉकी अरे अरे तू सुन रॉकी ने प्रॉमिस किया था ना कल तेरा ऑडिशन फिक्स किया है वहां से एकदम फिल्म बन रही है हाय सच्ची रॉकी सच्ची कल ऑडिशन तुमने मेरे लिए फीस क्या हाई है ठीक 12 बजे वहां पे पहुंच कल 12 बजे मैं नहीं आ सकती यहां पे इतना टेंशन है मैं कैसे अरे टेंशन को मार गोली लाइफ टाइम चांस है इधर लेकिन रॉकी मेरे चाचा की तबीयत बहुत खराब है इसलिए हम यहां आए हैं चाचा के चक्कर में चांस चला जाएगा देख तू सोच मैं ठीक 11 बजे तेरे को पिक करने आएगा तू आएगी तो ठीक है ना तू किसी और को लेके जाएगा नहीं नहीं रॉकी रॉकी चल हाय गॉड कुछ करो ना मैं ये चांस नहीं खोना चाहती कुछ करो ना गॉड कुछ करो वो मेरी बात नहीं सुन रहा है जल्दी चलो सबके दिमाग खराब करके रख जल्दी चलिए डॉक्टर जल्दी चलो तुम भी चलो साथ में बोल
बोल विभूति महाराज की। क्या कर रही है? आंटी जी, अरे हट हट रही है, बोले के मामले थाने लगेंगे। अरे जल्दी से वो बात को बुलाइए प्लीज। अरे छोड़ो मेरी दीदी को, छोड़ो मेरी दीदी को। लूट लिया। अरे अस्पताल के नियम होते हैं, कुछ आप भी कहीं भी घुस जाती हैं। सुनिए सुनिए, क्या ये नहीं नहीं क्या तमाशा था? व्हाट नॉनसेंस, आपने उन्हें अंदर जाने कैसे दिया? वो भी जस्ट एश एंड ऑल। देखिए डॉक्टर साहब, गलती हो गई, वो दरअसल मेरी दीदी भाई को ऐसे जाते हुए नहीं देख सकती। अरे क्या, ऐसे अगर होता रहा तो न जाते हुए आपको भाई चला जाएगा। अरे हाँ जल्दी जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो, अभी तो यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास। अरे ऐसे जाएंगे वैसे वापस आ जाएंगे, लाइफ बनने वाली है। अच्छा अच्छी है, पहले कभी किया एक्टिंग? हाँ किया ना। टेस्ट दे देना होगा? हाँ सीन करके देखना है। लीड रोल है हीरोइन? मैं बोला था ना किसिंग विसिंग होगा। हाँ हाँ हीरो से चिपकना भी पकना होगा। हाँ हाँ मिनी स्कर्ट पहनना पड़ेगा। हाँ हाँ तू पहनेगा भी मिनी स्कर्ट? मंगाऊ तेरे लिए? तू देगा हीरो के साथ चुम्मा चाटी? हैं ना, तो इसके मुंह में जवान नहीं है, ये बोल नहीं सकती, बोल नहीं सकती तो एक्टिंग क्या करेगी? आप सीन दीजिए, मैं करूंगी। लवली तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? इतना कितना प्यार करते हो? इतना प्लीज पिताजी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मान जाइए पिताजी, प्लीज। क्या हो रहा है? बचाओ, छोड़ो मेरा हाथ, बचाओ, छोड़ो। आई लाइक यू। पेशेंट किसी भी इलाज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ऑनेस्टली इट्स क्वाइट वरिंग, तो हम एक नया इलाज ट्राई करने की सोच रहे हैं। तो किस सोचना क्या है डॉक्टर साहब, आप कीजिए, जो करना है तो करना ही है। नो नो इट्स नॉट दैट सिंपल। देखिए आज तक ये इलाज सिर्फ विदेशों में हुआ है, वी डोंट नो हाउ द पेशेंट हियर विल रिएक्ट, और एवरी इंजेक्शन इज फॉर 75,000 रुपीज। बट इससे बेहतर हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। उस एक इंजेक्शन से दिविन ठीक तो हो जाएगा ना? एक नहीं, तीन इंजेक्शन का कोर्स। वी हैव टू कंप्लीट द कोर्स, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वी कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। एक एक इंजेक्शन 75,000 का और कोई गारंटी भी नहीं, ये तो मतलब कमाल हो गया। नहीं नहीं आप इलाज शुरू कीजिए, मैं संभाल लूंगी, आप कीजिए। फाइन मैम। अच्छा ये किसने कहा तुमसे?
नहीं मतलब सुशीला भाभी कह रही थी। लेकिन देवू भैया ऐसा क्यों करेंगे? बाबा ने कहा था जाने से पहले कि देव के बाद भी प्रॉपर्टी का क्या करना है, अगर इसकी भी वसीयत बनानी पड़े तो लाना था हम सब भाई। देव जो करेगा सही करेगा। हाँ तो उसका तो फायदा मिला ही, और अपने जो बचे मौका लगा तो अपना कुछ बना लिया होगा उन्होंने। पूरी फैमिली सस्पेंस में, प्रॉपर्टी के चक्कर में अच्छे अच्छे गच्चा खा जाते हैं। इंसान की नीयत बदलने में देर लगती क्या ऐसे मामलों में? सब कुछ हड़प लेना चाहता है इंसान। ऐसा कुछ नहीं होगा, और तुम भी ना, तुम सुशीला भाभी की बातें ज्यादा सुना मत करो, समझी? उनका बस चले तो हम तीनों भाइयों में कुश्ती करा के फ्रंट रो में बैठ के ताली बजाएं। अरे सुनो, कादंबरी भाभी कितना खाने लगी है आजकल। उनके पति आईसीयू में है, कोमा में है, उनकी भूख कमी नहीं होती। प्रेग्नेंट है? अरे क्या बोलते हैं, कुछ भी। सॉरी सॉरी। 75,000 का एक है यानी 2,25,000, और ये कादंबरी ने एकदम से हाँ कह दी। ऐसा तो लगता है तुम्हारे पास। चलो अच्छी बात है, सब बना ही लेते हैं, आपकी तरह थोड़ी है। पीछे पड़ गया मेरे भाई की, खुश होना चाहिए। मैं तो खुश हूँ कि जरूरत पड़ने पर पैसा है मेरे भाई के पास। तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। जैसे आपने भी ना ऐसी खामखा जल्दी करी, दौड़ा के लिया है हम सबको, ऐसा कुछ था भी नहीं। एक काम करो, जाके गला घोट दो मेरे भाई का। भैया प्लेन से आया, दुगना दान दे के टिकटों का, अब तो तू हरगिज जिंदा ना रह सकता। और वसूली कर लो अपने पास। कह लिया है? सो जाओ। या एक काम हो सकता है, आईसीयू में जाके जितनी नलियां ट्यूब है उसके लगी है ना, सांस की, ब्लड की, सब खींच डालो। नींद नहीं आ रही तुम्हें? भाभी चलो नहा लो फिर निकलते हैं पार्लर। अरे मैं तो रेडी हूँ। अनु तुम अब पार्लर जाओगी? हाँ टाइम है तो सब करवा ही लू ना, अब मुंबई आई हूँ, बाल बाल ट्रिम करा लू, उनका फेशियल भी नहीं हुआ है बहुत दिनों से, उसके बाद मॉल जाऊंगी। हाँ जी जाइए मॉल, हमारा भाई है, इनका होता तो देखता। 5 दिनों से बैठे हैं इधर, तुम्हारे भाई भी इधर ही है, कहीं नहीं जा रहे। रोज अस्पताल में जाकर दिन भर उनके जाने के इंतजार में नहीं बैठना है मुझे। एक तंडी बाहर जाके खेल, वो भी अन बहन जीओ के बीच। अरे समझ ही नहीं आता आप लोगों की ये बात, तो इसको दिन भर वहां बैठा के रखना भी बहुत मुश्किल है। ये ठीक है जाओ फिर, और मैं भी वहां अस्पताल में जाके दिन भर बैठ के कोई जादू तो नहीं कर दूंगा ना। यही ना। हाँ ठीक, डॉक्टर थोड़ी है हम। दादा को कुछ कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ? कि बेटे के दांत में दर्द था, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा इमरजेंसी, है ना? बोलो। हाँ ये ठीक रहे। भाई चलवा तो है बड़े शहर का यार। हाँ यार क्या जाना दो।
वैसे भी इनकी बहुत प्रॉब्लम चल रही है साहब। इनका एक चाचा है हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, बस एग्जिट मारने ही वाला है। बच्चे साहब शरम नहीं आती तेरे को? बच्चे तेरा चाचा बीमार है ना, इधर लड़कियों के बच्चे साहब बोल रहा है करके अभी छोड़ रहा हूँ। अरे सारी बोलो ना, भाभी हमारी पड़ोस में वैष्णव भी जी। नमस्ते। हमें भाभी हमने सुना तो हमें बहुत ही दुख हुआ। अभी अभी हमने अपनी भाभी की बहन के देवर को अलविदा कहा है, वो भी वेंटिलेटर पर थे। डॉक्टर ने कहा कि दवाई बदल कर देखते हैं, लेकिन दवाई इतनी महंगी, इतनी महंगी कि क्या बताऊं भाभी जी, और उस पर कोई गारंटी नहीं। अपने आदमी को बचाने के लिए तो आदमी तो उन्होंने दवा दी, एक दो दिन तो ऐसे लगा कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, वो क्या कहते हैं ना रिएक्शन, उनकी बॉडी ऐसे हो गई जैसे उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। पूरी बॉडी उनकी ऐसे ऐसे कांप रही थी, मुंह से झाग निकल रही थी, आंखें ऐसे ऊपर हो गई, वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कोई बंदा मर जाता है तो बिल्कुल वैसे ही। और सांस सांस तेज तेज चलने लगी और एक लंबी सांस ली। लेकिन आप लोग ऐसा मत सोचिए, भाई साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उन्हें ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे इतना अच्छा अस्पताल है, वैसे तो ना हमने भी अपने पेशेंट को अच्छे ही अस्पताल में डाला था, उन्हीं को कौन टाल सकता है। लेकिन भाई साहब जल्दी ठीक हो जाएंगे, अरे उन्होंने इतने पुण्य किए हैं, वैसे तो पुण्य हमारे पेशेंट ने भी बहुत किए थे। हाँ हाँ बच्ची क्या है ना, देखो उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, ऐसे अजीब सा हो रहा है उनको, आप चलो हाँ फिर आ जाना मिलने के लिए। अजीब सा तो होगा ही। हाँ हाँ क्या करें, बहुत अच्छा किया जो आप आ गए, इनको भी सहारा मिल गया। रुकिए तो सही, मुझे ना आपको मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनिए तो आप कहाँ भाभी जा रही है? अच्छा सुनिए आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, उसकी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? शायद इसीलिए नहीं हुई, कोई लड़का ही नहीं मिला, और हमें तो बड़ी फिक्र रहती है, उम्र तो हो गई है उसकी। अरे आप कहे तो मैं बात चलाऊं, एक लड़का मेरी नजर में है, अरे अस्पताल के बिल्कुल पास में ही रहता है, आपकी लड़की को बहुत सूट करेगा। ये तो बहुत ऐसे क्या मतलब हर जी क्या है, लड़का तो देख ही लेना चाहिए है ना, लेकिन हम उनके यहाँ नहीं जा पाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आपकी बेटी हमारी बेटी, मैं उन लोगों से कह दूंगी कि अस्पताल में सादगी से आए और लड़की देखकर चले जाए। हाँ, और इससे ना आपके घर की गंभीरता को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो ठीक है, मैं चलती हूँ। भाभी आप वैसे ही मुझे बेकार मिले आएगा, मुझे तो चिंता में वैसे ही नींद नहीं आएगी। अरे अपने बिस्तर पे तो बहुत अच्छी नींद आएगी, और ये पूरा खत्म करो। अरे इतना सा तो रह गया, खत्म कर दो, पिलो 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 खत्म करो। हाँ देखो कितनी अच्छी, अरे गाड़ी पूरा आखिर तक खत्म करो, हाँ छोड़ना नहीं, अब देखो रह गया। चलो ठीक है अब आराम से सो जाओ, है ना? अरे क्या हो गया तुमको, लड़का देखने जाएंगे इस माहौल में है, और वो भी लोग अजीब है, अस्पताल आने को राजी हो गए। अरे आप उन्हें कोसना बंद कीजिए, उनसे कुछ सीखिए, कितनी परवाह है अपने बच्चों की? परवाह? हाँ। उधर मेरा भाई कुछ नहीं हुआ के भाई को, कुछ ना हुआ मेरे भाई को? बैठो बैठो। हाँ आपके भाई की हालत नाजुक है, लेकिन बताओ ये भी कोई बात हुई, अब पीली बत्ती पे अटके तो अटक ही गए, ना लाल हो रही है ना हरी हो रही है, अब हमें नहीं समझ में आ रहा कि आगे जाए कि पीछे जाए, क्या करें? अब जीवन ऐसे थोड़े रुक जाएगा, अब क्या उनके चक्कर में लड़की कुंवारी बैठी रह जाए? अब वैसे भी वो लोग तो सादगी से आ रहे हैं ना, कोई बैंड बाजा थोड़ी ला रहे हैं। लेकिन कादंबरी वो भी तो होगी अस्पताल में, तो उसके सामने ही होगा ये मंगल कार्य? उसकी चिंता मत करो, वो तो अब कल दोपहर तक ही उठेगी। क्यों क्या किया तुमने? नहीं, मैं क्यों कुछ करने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, थकी हुई है ना तो। अरे आप उसे छोड़ो, देखो क्या है आलोक तो कल ऑफिस चला जाएगा, आप ना बस रविंदर को रोक लो किसी तरह, और आपकी जीजी तो जब तक हुजूरी बाबा से निपट के अस्पताल पहुंचेगी ना, हमारा काम हो जाएगा। ना ना सुनाओ,
मुझसे नहीं होगा यही सब। हो जाएगा, गर्वाओगी तुम। नहीं नहीं दादा, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। ना ना तू रहने दे। अरे नहीं, लेकिन हम तो तैयार हो चुके हैं, टैक्सी में बैठने वाले हैं दादा। अरे कल ही तो तू तनी को डॉक्टर के पास लेके गया था बेटा, दांत का मामला है, तो एक काम कर, दो तीन दिन रहने दे। पक्का? आज तो तू मत ही आ, तनी का ख्याल रख। हाँ फोन रख दे, शाबाश। अरे छुट्टी है आज, दादा ने कहा कि आने की जरूरत नहीं है। हा? चलो बम्बई घूम के आते हैं। अरे फोटो तो लो। हमारे ब्रदर कोमा में है हॉस्पिटल में, हम लोग इंदौर से आए। स्माइल स्माइल, थैंक यू। अब जाने दो, जाइए, थैंक यू। हो गया ना? हो गया। अरे चल ना, चल चल चल, हो गया फोटो, चल ना। अरे बिल्कुल दबंगे वाला है, एज ग्रोन ओल्ड। अरे थोड़ा टाइम दे ना रे, नई नई आई है लड़की, ज्यादा पीछे लगा तो डर जाएगी, समझता नहीं क्या ये। चल रख फोन, वार ही ले, रख 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 रख। उफ, आज भी क्या लग रही है रे। तेरे को एक बात बोलूं क्या? क्या? तेरे लुक के साथ ना तेरा लक भी सॉलिड है। क्यों? क्यों? ये डायरेक्टर बोलता है तेरे को चले। सच्ची रॉकी, सच्ची सच्ची रॉकी। ए 20-25 दिन में शूटिंग शुरू हुआ। 20-25 दिन में कैसे होगा रॉकी, कुछ करो ना। अरे कुछ करेगा ना, मैं तेरे को हीरो। आ जा तू, आ जा। थैंक यू रॉकी, तुम कितने अच्छे। आई लव यू रॉकी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई लव। रिंग 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 रिंग। हेलो, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, हाँ बस आ रही हूँ। अच्छा मुझे चलना होगा, मैं चलती हूँ, बाय रॉकी। अरे कभी तो पूरा आई लव यू टू बोलने दे। जी मेरा नाम सुशीला है और ये मेरे पति हैं जितेंद्र। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आपकी बेटी नहीं है? अभी आती होगी। अच्छा ये आ गई। अरे नैनदार आ रहे, इधर आया था बेटा। ये नैन तारा है। दरअसल बड़ी शर्मीली है, अब बस ऐसी चुपचाप बैठी रहेगी, इसे खींचना पड़ता है। अच्छा। बड़ी प्यारी और मासूम है। मैं अपने लड़के के लिए ऐसी लड़की ढूंढ रही थी। अच्छा क्या करते हो बेटा? बेटा हाँ। क्या करते हो? ट्रैवल एजेंट का बिजनेस है। अच्छा। अस्पताल में तो इतना शोर होता है, ठीक से बात भी नहीं कर सकते। बेटा आप लोग बाहर चले जाओ ना। हाँ ये ठीक रहेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? बच्चों को जाने दो। हाँ तो बच्चे, हाँ बच्चों तुम लोग जाओ भाई, आराम से बात कर लेंगे। हाँ।
तो भोली वाली है ना ओला, व्हाट वाज दैट उस लड़के के साथ? उसको छोड़ो, वैसे भी तुम्हारे जैसे डेस्पो का ना यहाँ कुछ नहीं होने वाला। लड़की देखने अस्पताल तक आ गए? ओ हेलो, मेरी मॉम मुझे यहाँ लेकर आई है। शी सेड कि लड़की को हॉस्पिटल में मिलने में प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे क्यों होगी? सो डेस्पो बैक टू यू। एनीवेज वो लड़का कौन था? कोई नहीं था, दोस्त था मेरा, कास्टिंग डायरेक्टर था। बॉलीवुड एंड ऑल, तुम्हें हीरोइन बनाएगा? हाँ, बन भी गई मैं हीरोइन, कास्ट भी हो गई, फिल्म भी मिल गई। वेट, तुम जस्ट अभी अभी मुंबई आई हो, राइट? राइट। और तुम उसको पहले से जानती थी क्या? हाँ, फेसबुक फ्रेंड है मेरा, बस मिली यहाँ कर। मूवी मिल गई, हीरोइन भी बन गई। वाह यार, ये चल क्या रहा है? चिल ओके, तुम्हारे लिए बस इतना जानना जरूरी है कि मेरे ना लाइफ में अलग प्लान है। मेरे पास ये शादी वादी के लिए टाइम नहीं है, तुम कोई और देख लो, मेरे दूसरे प्लान है लाइफ में। ठीक है। बस दो मिनट में पंजाब में चलेंगे। अजूरी बाबा तेरी जय। चलो भाई चलो चलो। अजूरी बाबा ये नहीं जा सकता। एक मिनट, थोड़ा आराम से और तमीज से बात करो। सकते अंदर नहीं जा सकते, और क्यों नहीं जा सकते? किसने बोला? तुम्हारे मालिक ने। मेरा भाई तुम्हारे अस्पताल में बीमार पड़ा है, और तुम्हारे यहाँ के डॉक्टर बोल चुके हैं कि अब उसे भगवान ही बचा सकता है। तो इनके माध्यम से मैं अपने भाई को आशीर्वाद दिलवाना चाहती हूँ। तो तुम मेरी आस्था पर शक करोगे, मुझ पर उंगली उठाओगे? क्यों? कोई बात नहीं, जाइए। जरी बाबा तेरी जय हो। एजेंट मतलब प्लेन की टिकट। अरे लल्ली दी आई, लल्ली दी। लल्ली दी, अरे बैठी रह, कैसे उठी? अरे तू बैठी रह। लल्ली दी, ये अरे हजूरी बाबा की जो बंबई वाली ब्रांच है ना, वहाँ से आया ये महाराज। इनके आशीर्वाद से हमारा जो दीपू है ना, घोड़े की तरह भागना शुरू कर देगा। ला वो पास दे दे। ललित जी, लेकिन डॉक्टर ने तो अरे यार, मार गोली उस डॉक्टर को, वो क्या जाने। हा? और फिर यहाँ पे वो भगवान की जगह है ना यहाँ पे, और फिर ये विजिटिंग आवर में आई हूँ, क्या फर्क पड़ता है? तू पास दे मेरे को जल्दी। अरे अरे अपनी बीवी का भी देना। बीवी मेरे को जाना। आई 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 आई, जय हजूरी बाबा। आई आराम से गिरिए ना। अरे 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 आंटी, क्या कर रहे हैं? अरे अलाउड नहीं। अरे ये बाबा कौन है? विजिटिंग पास है मेरे। आप आइए, आप आइए। अलाउड नहीं है आंटी। ये मेरा भाई दीपू, ये दीपू। ए दीपू, आंख खोल बेटा, देख। दीपू दीपू, आंखें खोल, देख, भगवान की किरण आई है। आंखें खोल, आंखें। बाबा बस करता दर्द। आंटी जी, अरे आंटी जी, ये क्या? आंटी आंटी जी, ये सब नहीं चले गए। अरे पास है, मैं विजिटिंग कार्ड में आई हूँ, तू बात। अरे अब चल नहीं, आंखें खोल लेती हूँ, एक बार आंखें खोल लेती हूँ। अरे बाबा इसको ठीक कर दीजिए। अरे अब क्या किया, आप खुद ही देख लीजिए। ये लोग ना कसम से आज तो बता के रहूंगा। डॉक्टर साहब, इंसानियत के सबसे पुराना इलाज चल रहे हैं, श्रद्धा। बीच में नको पड़ो, तुम्हें पब्लिक नड़ गई ना तो तुमको हॉस्पिटल छोड़ना पड़ेगा। अरे मार भी पड़ सकती है। नको रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूँ, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों।
ऐसे तुम्हें पक्का पता है देवेंद्र ने अपना अलग घर बना लिया है। हम जब कहते हैं हमारे बात पे विश्वास ही नहीं करते हो तुम, अरे हम तो तुम्हारे पूरे खानदान का चिट्ठा खोल दें। वो तुम्हारा जो छोटा भाई है ना, उसकी जो अनुराधा है, वो पता नहीं क्यों आराधना बनी घूमती रहती है। अरे हमें सब पता है, हम एक एक की बात जानते हैं। इतना खर्चा कर रही है, कपड़े देखे उसके, और हम एक साड़ी खरीद लेते हैं। हाँ तुम सो, एक साड़ी हम खरीद ले तो बर्बाद। अरे इनका देख रही थी क्या क्या रखा है। वो मुझे ना आपसे बात करनी थी, क्या हम लोग आदित्य जी से दोबारा मिल सकते हैं? अरे वाह वाह, अरे मेरी बच्ची को कोई पसंद आ गया। मैं अभी बात करती हूँ। अब लड़के वालों को मिलने जाना पड़ेगा। तुम माँ बेटी मरवाओगे? अरे कमाल कर रहे हैं आप, आपकी भी तो बेटी है, उसकी खुशी नहीं देखी जाती क्या? अच्छा तो उनको बोलना बैंड बाजी के साथ आए। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। बस आपसे एक विनती है कि हम जहाँ कहें ना माँ खड़े हो जाइएगा, ना नौकर मत कीजिएगा। आप बैंड लगा लीजिए। हाँ जी। ये आलोक बता रहा था कि यहाँ कोई बड़े सिद्ध बाबा का मंदिर है। अब अभी है तो बड़ी मानता है। वही सोच रही थी, दो तीन दिन में ही हुआ हूँ वहां जाके। तुम्हारी हालत नहीं देखी जाती मुझसे, सोच रही हूँ जाके प्रार्थना करूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे इस दुख से उभार दे। इन्हें भी ले जाऊंगी, बच्चों को भी ले जाऊंगी, जितनी प्रार्थना इकट्ठी हो जाए उतना अच्छा। हाँ भाभी, कितना सोचती हो मेरे बारे में। हम तो सोचेंगे अपने जो है तुम्हारे। सही बात, सही बात। तो मतलब डॉक्टर भी कुछ बता नहीं पाया? इस शहर में बिल्कुल नए हैं तो आप बता देते तो हम मुंबई दर्शन करा देंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ घूमने थोड़ी आए। अरे बेटा आप लोग बाहर चले जाओ, बड़ा खुला खुला है, अच्छा लगेगा, आपस में बात करो, है कि नहीं? जाओ बेटा जाओ। हाँ जा। तो भाभी जी बताइए, बात को आगे कैसे बढ़ाए? बस कुछ नहीं, इनके भाई का निपल जाए तो हम लोग कर लेते हैं, इतने में ये एक दूसरे को जान भी लेंगे, है कि नहीं? खाना मंगा लेते हैं। हाँ। I just need a break, man. I know, baby. It's tough on you. यार एक तो पापा का कुछ पता नहीं चल रहा, ऊपर से ये सारे जो सर पे इकट्ठा हुए पड़े ना, it's such a pain. लो, ये भी खत्म हो गया। Order one more now. It's okay. I know it's tough on you. Hello? हाँ माँ, हाँ मीटिंग अभी चल रही है तो थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। हाँ बाय। It's okay. I know baby, it's tough on you. Come. सुना तुम उससे मिलना चाहती थी? जी आदित्य जी। आदित्य जी क्यों, आपको रिस्पेक्ट नहीं पसंद? नहीं पसंद है, आई मीन, बट उस दिन कुछ और आज कुछ और समझ नहीं आ रहा मेरे को। ओके फाइन, सॉरी सॉरी। सुनो तुम्हारे प्लान्स का क्या हुआ? आपसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफी करने जा रही थी। मुझे एक स्टेबल मैन की जरूरत है, बिल्कुल आपकी तरह। लेकिन उसको क्या हुआ जो तुम्हें हीरोइन बनाने वाला था? उस बंदर को तो मैंने भगा दिया।
आपसे मिलने के बाद आदित्य जी, आपको नहीं लगता कि हम एक दूसरे को और जानने की जरूरत है? एक दो बार और मिल लें। एक दो बार हम रोज मिलेंगे। ठीक है तो सारे प्लेन से जाएंगे। क्या हुआ? मैंने कहा था तुम माँ बेटी मरवाओगी, अब चलो यहाँ से। नैन तारा तो बाहर ही है, माफ करो भाई साहब। चलो आलोक, 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 आलोक यहाँ। तू यहाँ क्या कर रहे थे? तो ऑफिस की मीटिंग थी ना। यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ मीटिंग थी ना, यही तो हो रही थी मीटिंग, और यहाँ मीटिंग चल रही थी। और लेकिन माँ तो कह रही थी कि आप दोनों किसी मंदिर वंदिर तो हम गए थे ना मंदिर। देख देख है मेरे पास प्रसाद, प्रसाद है ना है? अरे ये तो इसको भूख लगाई, क्या लगा कुछ खिला दो, खिला दो तो यहाँ। अरे भाई यहाँ पे बातें करती रहोगी, वहाँ कादंबरी इंतजार कर रही है। मेरा भाई अस्पताल में है, टाइम नहीं है मेरा। चाचा जी आप चलिए, मैं बस आपके पीछे पीछे पहुँचता हूँ। ठीक है आप बस पहुँचे, मैं आ रहा हूँ। आजा आजा बेटा। अमित आपकी मीटिंग के बारे में किसी को नहीं बताऊं, निश्चिंत रहे। अरे शर्मा जी क्या हुआ, अचानक सब ठीक है? अरे सर जी आप हमेशा हमको याद रखते हैं तो हम भी आपका हाथ पूछेंगे ना हैं? क्या मतलब? अरे वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तय नहीं हुआ, साहब का पेट खराब हो गया था, फूड पॉइजनिंग। तो क्या है सारी मीटिंग कैंसिल हो गई थी, तो बताइए क्या ख्याल है आपका? देखिए शर्मा जी हम आपको पहले कह चुके हमारे पास और नहीं है पैसे देने को। भाई हमने मांगे आपसे और पैसे, अब पैसे तो आप देके गए थे ना, तो पैसे की तो बात ही नहीं है। ठीक है मैं बताता हूँ। हाँ माँ ताई चाचा कोमा में रहे क्या? अरे नहीं बेटा चलो चलो। ये शर्मा कह रहा है कि अगर मैं दो दिन में वहाँ पहुँच जाऊँ तो मीटिंग करवा देगा। अरे तो सोच कह रहे हो, जाओ ना। अरे कैसे जाए, यहाँ का वहाँ भारत, यहाँ क्या? तुम्हारे देव दादा पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं, कोई ठीक नहीं उनका, पता नहीं क्या मर्जी है उनकी। मर्जी क्या है, हमारा जीवन भी कोमा में डाल के ही जाएंगे। तो तुम अपना देख लो ना, तुम चले जाओगे तो हमारे लिए भी निकलना आसान हो जाएगा। कितने दिन बैठे इंसान तो दिमाग भी कंफ्यूज हो गया, मरीज के ठीक होने के इंतजार में बैठे हैं हम या जाने के इंतजार में। तुम जाओ। ठीक करी मैं कल ही निकल जाता, ये ठीक रहेगा। अब मुंबई आए तो मुंबई घूम लेते हैं, बस बैठे रहते हैं दल्ले पे पूरा दिन। अबे मुझे नहीं देखना इंडिया गेट, तू जाके देख क्या। ओ पप्पू इंडिया गेट दिल्ली में, इधर वाला गेट में ऑफ इंडिया है। मुंबई आके गेट देखने के लिए जाओगे तो डांस बार जाएगा। अबे नहीं नहीं गलत है यार, चाचा बीमार है। ये चाचा बीमार है, पागल है क्या? अच्छा सुन चाचा बीमार ही तो है ना, अबे इतने दिन से तो कुछ ना हुआ उनको और ना ही कुछ होने वाला है। अबे चलते हैं यार, कुछ नहीं होता, कोई कोई पाप बाप नहीं लगेगा, चलते हैं यार। हाँ चलते हैं, चलना चलना। नहीं नहीं अभी क्या कहना था, सोच अगर चाचा ठीक हो गए या गए दोनों ही केस में हमको फिर टाइम नहीं मिलेगा, दूसरे दिन चले जाएंगे अपने अपने घर को। हाँ फिर तो वापस आएगा मुंबई। सोच अरे यार प्रोसीजन तो पकड़ा था पुलिस ने। अबे उस दिन बेसहारा थे हम लोग, इस बार तैयारी से चलेंगे, क्या टूरिस्ट गाइड साथ लेंगे। अरे क्या है मेरे को समझ में नहीं आता, तुम लोग हिम्मत वाला है कि एड़े लोग है? अरे उधर तुम्हारा चाचा आईसीयू में गए थोड़ी अभी, कोई पाप नहीं लगेगा। अरे यार हमारे चाचा की लाइफ का कोमा हमारी जिंदगी का फुल स्टॉप तो नहीं बन सकता ना यार। अरे नहीं ना लेकिन वो बंद हो गया अभी, अभी कुछ नहीं आई नहीं उधर हो गया ना। अरे तू क्यों बोल रहा बीच में, तेरे को कुछ पता तो है नहीं। अरे क्यों पढ़ना है सब में यार, अच्छा वापस पढ़ना वापस। नहीं वैसा है ना मेरे पहचान में, उधर जा सकते हम सुमड़ी में। किधर आया सुमड़ी में, किधर आया सुमड़ी में? मतलब क्या एरिया ने सुमड़ी मतलब ऐसा गुपचुप गुपचुप मत पढ़ो यार ये सब में, गणपत बस ले चले आप, ले चल ले चले आप प्लीज। नहीं नहीं अरे लेकिन खर्चा पानी देना पड़ेगा। अरे क्या लफड़े कम है क्या? अरे यार कुछ नहीं होता, चलो कम परेशानी। अरे कहाँ हो यार, पिछले 20 मिनट से वेट कर रहा हूँ।
आई एम सो सॉरी जानू। हाँ बस देर हो गई, बस मैं आ रही हूँ। हाँ आ रही हूँ। हाँ ठीक है, बाय, रखती हूँ। हाय रॉकी, तुम कितने प्यारे हो। रॉकी तुम कितने प्यारे हो, तुम मेरी लाइफ बनाने वाले हो। हाय रॉकी, लेकिन रॉकी कुछ सोचो ना, हम मम्मा और पापा का क्या करेंगे, कुछ सोचो ना रॉकी। सॉरी दादा, वो काम। अरे नहीं नहीं छोटे, तू जा, अब है ना यहाँ पे। ना ना छोटे, तू जा जा। नहीं नहीं ललिती, ऐसी बात नहीं है, मैं जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगा। हम हैं ना यहाँ। हाँ हम कहाँ जाएंगे, क्यों? वैसे भी अनुराधा तो है ही यहाँ पे। वो तो पता कितना आती है। जा बेटे जा जा, हाँ देर हो रही है। हाँ जी देर, संभल के जाना। हाँ? अरे आएंगे ना, तुम तो बोल के लेके आए हो। रौनक है यहाँ पे, लड़कियाँ मिलेंगी तुमको। इतना सारा आजकल बंदे ना, आजकल बंदे का बोल नहीं सकते। तुम बैठो ना, तुम बैठो भैया, कुछ नहीं करवाते। तीन बियर ले, तीन बियर मंगाए थे तो मैंने निकाल लिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तीन गिलास और एक बियर ले। अबे कौन पिएगा तीन गिलास एक बियर? पढ़ो अबे क्या है। हाँ ठीक है, एक बियर और दो, तीन गिलास। नमस्ते नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? ओ, मैं तो ठीक हूँ। और हाउ इज स्टीवन? आप क्या बताएं भाई साहब, डॉक्टर लोग कोई कुछ खास ठीक से बता नहीं पा। यार तुम लोगों ने दो चार जगह से सलाह मशवरा लिया था या नहीं, या देवेन को सीधे इस अस्पताल में ले आए? जी मतलब? अरे मतलब साफ है, इतने दिन हो गए कोई ठीक खबर नहीं है? अरे वो अस्पताल और उसके डॉक्टर ठीक तो है ना भाई साहब? हजारों लोग रोज आते हैं इस अस्पताल में, तो कुछ तो ठीक ही होगा। और हमारा सगा भाई है, कोई गैर नहीं कि कहीं भी पटक देंगे। ना वो तो सही है, पर मुझे भी फिक्र हो रही है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसी कोई बात तो है नहीं, ठीक है रखता हूँ। जी लल्ली दी, ये तुम्हारे जो पति है ना, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, जैसे सारी दुनिया का ज्ञान इन्हीं को है। क्या खिच खिच करने लगे? अरे जी तू तू तो उनको अच्छी तरह जानता है। तो ये डॉक्टर भी ना कोई कुछ ठीक से बता क्यों नहीं रहा है? एक मिनट, मैं आज पता ही कर लेता हूँ कि ये इलाज चल रहा है कि मजाक। अरे आप लल्ली दी छोड़ो, मैं एक मिनट। क्यों गुस्सा हो रहा है तू? क्या मुसीबत है भगवान। नहीं बाहर नहीं, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। आप पहले बताइए कि क्या क्या चल क्या रहा है। खड़े रहिए फिर। Oh my God. कादंबरी देवे देवे गया, कादंबरी कादंबरी देवे देवे गया। हाँ बोलो निन्ना, हो गया? अरे लेकिन अरे अभी हम निकले थे तो ठीक थे वो। हाँ। अच्छा अरे मैं तो सिक्योरिटी चेक क्रॉस कर चुका हूँ बेटा। हाय सैया जी, हाय मेरे मजनू भाई, पर डरते न खुल जाए। हेलो, नमस्ते भाई साहब, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, मैं आया हूँ। मुझसे मत पूछो,
मुझसे मत पूछो, मत पूछो मुझसे, आना है आओ, नहीं आना मत आओ, तुम्हारी मर्जी, मत पूछो मुझसे। क्या हुआ पापा? भाई साहब एक सेकंड, हो गया, आने का रास्ता है जाने का नहीं है। अरे भाई मर गए हैं, मेरे भाई मर गए। तुम तीनों फिर से बहुत स्टैमिना है तुम लोग, एक मिनट एक जन बोलो। गणपत लाया था सर, गणपत लाया था सर, बोला उसको जल्दी। तेरे को बोला था ना ये तीनों का कोई पंगा नहीं चाहिए, मेरे को बोला था कि रे गलती हो गया साहब, बहुत गलती हो गया। अभी तू बीच में है इसलिए 20,000। 20,000 ये लड़की किधर से लाएंगी? तेरा कट करके भी 20,000 से कम नहीं होगा। 20,000 से कम नहीं लेगा बोलते वो? क्या बात कर रहे हो? इस तरह भाड़ा देगा वो? कहां से आएंगे पैसे? आलोक भैया को फोन कर, लेके फोन रख अबे वो घर पे बता देंगे। अरे कुछ नहीं होगा यार, मेरा एहसान है उन पर, वैसे उनका सीक्रेट पता है मुझे। किधर यार, कौन से पुलिस स्टेशन? सर पैसे ही तो नहीं मिले, आपको तो मालूम है कि एटीएम में आजकल पैसे भी ज्यादा नहीं मिलते हैं सर। हाँ सर, सर बड़ी मुश्किल से 15,000 रुपए मिले सर। लेकिन ऐसा ही चलता रहा ना तो पेशेंट को कुछ हो ना हो मुझे जरूर कुछ हो जाएगा। अरे डॉक्टर हमें माफ कर दो आलोक, हम बस थोड़ा घबरा गए थे। नहीं नहीं, आप क्यों माफी मांगते हैं, पापा भी हैं ये सोच के हम सो रिलीव्ड। वैसे तुम सब थे कहां? इन्हें रहने दीजिए ताऊ जी, अभी रहने दीजिए, पापा अभी हैं इस खुशी में, मैं सबके लिए मिठाई लेकर आता हूँ। देवू भैया, क्या हुआ मेरे भाई को? लल्ली दी, क्या हो गया? कैसे? कुछ नहीं हुआ मेरे भाई को, कैसे? मेरा भाई ठीक है, कैसे? मेरा भाई ठीक है। तेरे भाई को कुछ नहीं हुआ, तेरा भाई ठीक है? नहीं नहीं है? हाँ। ये कह रहे तेरा भाई बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब है? निन्ना ने तो फोन कर, वो तो डॉक्टर ने ये अरे यार टैक्सी, अरे छोटे, अरे अरे रुक जा, तेरा भाई आईसीयू में है। टैक्सी मेरे पैसे। अरे रवि चाचा आप आ गए, आपके दादा ठीक हैं, आपके दादा को कुछ नहीं हुआ, लीजिए मिठाई खाइए। आज खुश तो बहुत होगे, तुम बहुत खुश होगे। वो काम जिसके लिए मैं कितने महीनों से लगा था, वो काम आज मेरे हाथ से निकल गया। काम जिसके लिए मैंने कितनों को रिश्वतें खिलाई,
शर्मा 1,00,000, जिसके लिए ट्रेन की, फ्लाइट की, दुगने दाम की टिकटें, रिजर्व की, कैंसिल की, 6,000, 8,000, 10,000, कितनी तारीखें बदली, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और वो टैक्सी ड्राइवर 537 रुपए के लिए 2,000 रुपए, 2,000 डिमोनेटाइजेशन। बस बहुत हो गया, नो मोर। चाचा, चाचा मिठाई लीजिए। कुछ नहीं हुआ देवो भैया को, कितनी खुशी की बात है। खाओ खाओ मिठाई चाचा, खुशी और क्या चाचा, चाचा आप तो समझते हैं बहुत परेशानी चल रही है ना, तो वो आप ही कर सकते हैं, मेरा काम अरे चलो भाई, रात बहुत हो गई है, यहीं सो गए क्या? चलो चलो घर जाओ और कादंबरी को भी ले जाओ, आज मैं रुकता हूँ यहाँ, जाओ कादंबरी। दादा मैं तो कहता हूँ आप भी घर जाइए, आज आज मैं रुकता हूँ। छोटे मैं रुक रहा हूँ यहाँ, चलो ठीक है दादा, आपके साथ मैं भी रुकता हूँ। दादा आप पीते हैं? हमें तो इस वहम में रखा था कि भाभी के कहने पे छोड़ दिया आपने बरसों पहले। हाँ हाँ छोड़ दिए यार, कभी कभी पीता हूँ, भाभी को कुछ कहा ना तो देख लियो फिर। मैं क्यों बोलूंगा? हाँ अरे बहुत कम लेता हूँ, जैसे कि आज सच में बहुत जरूरत पड़ गई थी, बहुत टेंशन हो गई थी, ले ले। मैं तो पीता ही नहीं हूं। अरे छोटे बहुत टेंशन वाला दिन है, ले ले। बहुत लाइट बनाते हैं आप दादा, तू तो पीता नहीं है, डाल ले फिर। बहुत बड़ी बेवकूफी हुई है आज, बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई, बहुत अफसोस भी हो रहा है और खुद पे ना गुस्सा आ रहा है। अरे वक्त से पहले मार दिया अपने भाई को। ऐसा मत कहें दादा, गलती तो सबसे होती है ना। ऐसी गलती? अरे छोटे जब तुझे, जब मुझे लगा ना कि देवेन गया, सच में मेरा कलेजा फट गया, मेरे हाथ पर सुन पड़ गए, मेरा पूरा बदन थर थर कांप रहा था। छोटे सोच, जब सच में ऐसा होगा तो क्या होगा? साथ साथ पले बड़े हुए, खेले, और एक दिन अचानक वो क्या होगा जब सच में ऐसा होगा? मुझे भी ना दादा बहुत गुस्सा आ रहा था और बहुत शर्म भी आ रही थी। पता है दादा, एक पल को
तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा दुनिया में अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है ना तो देवू भैया है। मन क्या कि गोली मार दू किस्सा ही खत्म। गलती सीधा था, मन में ऐसे विचार आ रहे। दादा याद है एक बार जब पुरानी घर की छत पे आप अचानक ऊपर आए थे तो देवू दादा मुझे पीट रहे थे क्योंकि मैंने उनकी शर्ट पहन ली थी और आपने आके उन्हें एक चमाट जमाई क्योंकि वो शर्ट आपकी थी। याद है ब्लू चेक मेरी टिकट चिप जाती थी। ऑफिस से भी पता किया मैंने, अभी नई नई नौकरी ज्वाइन की है तो कोई लोन भी नहीं मिलेगा। तुम घबराओ मत कादंबरी, देवेन अगर तुम्हारा पति है तो हमारा भी भाई है। मैं हूं रवि है, एक लाख तक मैं दूंगा, रवि कुछ करेगा। लल्ली दी है, उसकी दीदा होने के नाते वो कुछ करेंगी। हम हैं, हाँ बिल्कुल हम हैं। हम हैं। बस मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी तेरे पापा से, पर मेरे भाई के लिए मना थोड़ी करेंगे वो। तू परेशानी की जरूरत नहीं है, अभी तो थोड़ा बहुत कुछ है मेरे पास, मैं अपने पति को बचाने के काबिल हूँ अभी। अच्छा कर लूंगी मैं। एक सेकंड रुक जाइए। आई थिंक ये सब तय करने से पहले हमें एक बार डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। नहीं ठीक कह रहा बेटा, तू सही बोल रहा बेटा। तूं क्या चाहते, मैं बोलूं लेट्स पुल द प्लग? ये तो आप लोगों को ही तय करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। एक काम करते हैं, लेट्स वेट फॉर 3-4 डेज एंड देन वी टेक अ कॉल। कॉल डिसाइड करेंगे। हाँ राइट, यू आर राइट। राइट मैं क्या करूं रॉकी, जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं मम्मी से बात करूंगी चाचा कोई नया ही टर्न मार लेते हैं। अरे तू टेंशन मत ले रे, मम्मी पापा ने सपोर्ट नहीं किया ना तो अपना प्लान भी है ना। हाँ मैं कुछ सोचती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ रॉकी, देर हो रही है। अरे अरे गणपत, अरे काय कह रहा है, इकड़े काय कर दो। अरे वो किसी को मिलने आया था। किसको? क्या पूछा? अरे किसको मिलने आया था, कौन है बीमार? वो एरिया में, चल टाटा। हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा कि हम आपके साथ क्या करें, आपकी मूर्ति बनवा दें या फूलों का हार चढ़ा दें। अरे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, लड़की की अभी शादी नहीं हुई है, लड़के की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है और कह दिया गया 1,00,000 रुपए दे देंगे। कहाँ से दे देंगे? अरे निकल गया। कैसे निकल गया, ऐसे कैसे निकल गया है, कहाँ से दोगे पैसा? दे दूंगा, जरूरत पड़ी तो पीपीएफ अकाउंट से निकाल के, तुम फिक्र मत करो। लुटाओ लुटाओ, खूब पैसा लुटाओ है ना, खूब पैसा लुटाओ और वो अपने फ्लैट में फ्लैट बनाए। आज तुम बता ही दो, मुझे बता ही दो कहाँ लिया है मेरे भाई ने अपना अलग फ्लैट, क्या सबूत है तुम्हारे पास? बदनाम करती रहती उसको। मेरी ना खबर पक्की है, इस शहर के बाहर एक फ्लैट खरीदा गया है जिसपे आपके भाई को आते जाते ताला बंद करके ताला खोलते निकलते देखा है, है? और एक बार नहीं कई बार देखा है, और जिस आदमी ने देखा है ना उसको सामने लाकर खड़ा कर दूंगी वरना मेरे मुंह पे फूंक देना। ये हर बात बड़े भाई साहब खड़े होके दूसरों के लिए क्यों बोलने लगते हैं? नेता बनने का शौक है ना, आ जाए राजनीति में। कौन रख गया हाथ से, ऊपर से इन्होंने इतना बड़ा बम फोड़ दिया।
मेरी हर बात पे बजट को रोते हो ना, अब क्या करोगे? बजट तो इसका भी नहीं। माँ, मेरे लिए ये कहना आसान तो नहीं है, लेकिन जितना भी हम कर सकते थे उतना तो किया ही है। जो भी जमा पूंजी थी 4-5 लाख, वो भी खर्चों पे, लोन भी नहीं मिला, और जो भी बचा कुचा है, मैं हूं, आप हैं, मेरा मतलब है कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने कोई कोताही की है, लेकिन अब हमें बीमस भी प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, यही ना आलोक? शुरू में तो मैं बहुत घबरा गई थी, पर अब इनकी हालत मुझसे नहीं देखी जाती, इधर पाइप उधर पाइप, हमें इन्हें जाने देना चाहिए। हाँ, तेरे चाचा ने आज सबको बड़ी अजीब सी हालत में डाल दिया, धर्म संकट में, तो ऐसा करते हैं कि दो एक दिन मशीन और चलने देते हैं, फिर देखते हैं। आप कुछ खाएंगी? नहीं, जब सच स्वीकार लो तो मन स्थिर हो जाता है। सब अभी तक आप ही सब कुछ देख रहे हैं, आगे भी आप ही देखिए। ये अलमारी की चाबी है, आप रख लीजिए, वो तिजोरी में ना गहने रखे हैं, मेरे सुनार के पास ले जाइएगा, जो भी कुछ मिले ले लीजिएगा, एक आध दिन में तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। आदम बतीस, इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग हैं कुछ लोग। भाई साहब, आपका दिल बहुत बड़ा है मुझे मालूम है, पर फिलहाल ये सही है, आप रख लीजिए। भाई साहब प्लीज लीजिए। निकला वो हर जाई
निकला पर वो हर जाई वक्त ने क्या चपत लगाई फोन में पड़ गए खटाई शाम हो रही है पता तो चले कहाँ रह गए क्या हो गया। अरे लेकिन फोन बंद आ रहा है उनका। क्या बता सुबह अच्छे खासे निकले था काम लेकिन आए आ जाएगा। अरे लेकिन इतनी देर। अरे आ जाएगा झगड़ा तो नहीं हो। हाँ अरे वो आ गए। अरे हा? दादा आ गए आप आ गए सुबह से परेशान हैं हम लोग कहाँ रह गए थे। अरे ये क्या हो गया पूरी पीठ मैली हो गई है पीछे कहाँ गिर गए थे। अरे राम कहाँ से पिटके आ रहा है तू। ताऊ जी आप ठीक तो हैं। अरे कुछ तो बोलो। बंद कर दो मशीन। क्या दादा। हाँ सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं सबको काम है तो अब देवन की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। कादंबरी जाने देवेन को। ऐसे एकदम से नहीं होता। देखिए आप लोग यूं खड़े मत रहिए घंटों लग सकते हैं ज्यादा भी। प्लीज बाहर वेट करिए। चलिए प्लीज बाहर वेट करिए। चल टाइम है अभी। चल टाइम है।
दादा फ्लैट को कुछ पता चला? ये छोड़ना छोटे, जाने दे। फ्लैट का कुछ पता चला दादा? फ्लैट का कुछ पता चला? यहाँ दूसरा फ्लैट भी सच निकला जो उसने खुद के लिए बना लिया और हमको कानो कान खबर ना होने दी। क्या कह रहे हैं दादा? सच बोल रहे हैं दादा। अरे अब बाबा के फ्लैट का क्या किया होगा क्या पता? अब ऐसे हालात में पूछना भी ठीक नहीं है भैया। अब तो भाई है, विदाई दो और बस चलो। मतलब गया फ्लैट हमारा? ठीक है दादा, अब जैसा कहें। अब तो कर ही देते हैं, वैसे भी डॉक्टर ने कह दिया है आज रात नहीं ज्यादा ज्यादा कल दोपहर। वाह रे भाई, बुलाएगा मेरे को? अरे हाँ गणपत। क्या भैया? देखो आप तो जानते हैं हमारा भाई वो देवेन, डॉक्टर ने कहा है कि अब तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक हॉल बुक करना है शोक सभा की, अंतिम संस्कार की। आए ना, अपने पास कांटेक्ट आए ना, तुमको पंडित भी लगेगा ना मठ में, और वो भजन मंडली भी लगेगा, लगेगा मेरे को मालूम है। और सैमसंग कौन सा बुक कर रहे हैं, मतलब कौन सा मांगते हैं अपने को? अपना ये लकड़ी वाला मांगते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मांगते हैं? क्या दोनों लगेगा? जल्दी हो जाएगा। नहीं नहीं इलेक्ट्रॉनिक। नहीं नहीं मैं करता हूँ, लेकिन कॉन्टेक्ट कर दूंगा। इसको कहते हैं भाईचारा दादा। एक पार्टी है, नहीं सब कॉन्ट्रैक्ट है, सब है। अरे हॉल मशन सब सब भज्जी बिज्जी सब है, भजन अरे सब बोला ना। हाँ हो जाएगा ना, कल ही मांगता है, कल ही मांगता है। हाँ ठीक है। और हाँ मेरा 5% का याद है। डॉक्टर ने कहा है कि अब देवेन कभी भी, तो पास में ही एक इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है, तो मैंने वहां 3 बजे एक पंडित को बुला रखा है। चलिए सब लोग मिलकर देवेन की आत्मा के लिए प्रार्थना करें। हेलो हेलो अंकल, आदित्य बोल रहा हूँ। नैनतारा है क्या? तुम्हारे साथ नहीं है? वो तो कह रही थी उसका मनु दास है, तुमसे मिलना चाहती है, बल्कि उसने तो कहा था कि तुम उसे गेट पे लेने आने वाले हो। ओह डिड शी, वाओ ग्रेट। उसने मुझे बोला था मिलने के लिए, बोला कि अमित छोड़ जाएगा। बट तारा को कहीं छोड़ने के लिए जाने वाले थे तुम? नहीं। अरे नहीं भाई, अमित कह रहा है ऐसी कोई बात नहीं हुई। ओ माय गॉड अंकल, आई थिंक यू शुड नो दिस। मुझे लग रहा है भाग गई। क्या हुआ पापा? क्या हुआ? हाँ? पुलिस, पुलिस को बुलाओ। पुलिस कह रहे ये पूरा खानदान आइटम है क्या? जाने दो ना साहब, आप वो लड़की को ढूंढी का है ना पहला। अरे पर कुछ मालूम तो होना मांगता है ना, जाने दो ना। क्या मेरे को थोड़ा बहुत मालूम है ना, उसका एक फूफी है वो दादर में रहती है, और उसका एक मामा है वो वाई में रहता है, और उसका एक बहन है वो विरार में रहती है। माँ बाप कोई है नहीं उसको, और वो बहन भी उसको रखती नहीं उसके पास। भाई वाइज गया हूँ मैं, क्या करता है मैं दो लोगों के साथ उधर विरार जाते हैं, और तुमको मैं दादर का एड्रेस वाला विरार। हाँ वही वही, इनको तुमको दादर का एड्रेस देता हूँ। तुम दादर, दादा आप दादर जाइए, हम लोग विरार ही चलते हैं। हाँ ठीक है। और ए चलो ना, चलो चलो नाकाबंदी कर देता हूँ वायरलेस पे। वैसे मुंबई के ट्रैफिक में किधर तक जाके मैडम, आप बैठिए, आप चिंता मत कीजिए, मुंबई पुलिस है, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। आप बैठिए, इधर बैठिए। तुम बैठो, अरे इधर नहीं उधर पीछे बैठो। हेलो भाई साहब, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, सब ठीक तो है ना? फोन रखो, मैं आ जाऊँ। अरे मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, गोली मार दूंगा, फोन रखो। We'll be right back.
अरे मिल गई नैनता, मिल गई भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई आपने। वैसे मेरी बच्ची ठीक तो है ना? अभी मैं क्या बोलेगा साहब, आप खुद ही देख लो ना, पूरी लाइफ में ऐसा आइटम फैमिली नहीं देखा साहब। आइटम फैमिली? हाँ हेलो। अरे इधर गेस्ट लोग आ गए ले शोक मनाने को, फैमिली किधर है? ओ हाँ वो दरअसल भाई साहब एक टेंशन आ गई है, तो आज तो कुछ नहीं हो पाएगा। शो कैंसिल किया क्या है? आज नहीं होगा मतलब? भाई साहब एक दिन अगर रुक जाते ना तो शायद यू नो। ये कौन है रे तू है? आज तक कोई शोक सभा को पोस्टपोन किया है क्या? किधर से आया रे तू? अरे एडवांस दिया है भाई साहब आपको, एक दिन रुक नहीं सकते आप? अरे एडवांस दिया है तो अक्खा लाइफ का बुकिंग मांगता है तुमको? बुकिंग आज का है, शादी मनाने का है शादी मना, शोक मनाने का है शोक मना, समझा क्या भाई? हेलो हेलो, कब आएगी कब आएगी? अरे आएगी, संभालो अपने आप को। लेके आया, शादी बनाने चला था ये लोफार आपकी बेटी के साथ। अरे तुझे इस दिन के लिए पैदा किया था मैंने। देखा देखा साहब, मैंने बोला था ना आपने गलत लोगों को पकड़ा। मैडम क्या बोली? नयनतारा ये तो मेरी रोजी है। रोजी? हाँ रोजी, रोजी। अरे 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 उठा के लेके आ बता दी रोजी। नहीं नहीं साहब उठा के नहीं लेके गया, खुद के मर्जी से शादी किया मैंने उससे। अभी अभी आप उससे पूछो ना, ये नयनतारा आपकी की मेरी रोजी की। आप मेरे होने वाले पति को नहीं मार सकते। अरे तो मेरी माँ बताती क्यों नहीं है? बता तू कौन है, इसकी बीवी है या इनकी बेटी है? कौन है तू? सस्पेंस क्यों रख रही? बता। मैं इनकी बेटी हूँ। हाँ। और इनकी होने वाली पत्नी हूँ। नयनतारा मेरा नाम है जो मुझे पसंद नहीं, रोजी मेरा स्क्रीन नेम है, और मैं बालिक हूँ, मुझे मेरे हक पता है। अरे ये कहाँ से आए हो तुम? अरे मारेगा हेलो। अरे भजन पार्टी आ गया, तुम्हारा गेस्ट आ गया। फैमिली किधर है यार? हो जी वो जाने वाले थे लेकिन गए नहीं। अरे डॉक्टर फिर लगाए तुझा, फोकर में भजन पार्टी को बुक किया क्या यार? पहले कंफर्म करना चाहिए ना पेशेंट गया कि नहीं है। किससे कंफर्म करूं, किससे कंफर्म करूं? यमराज से? ओए पेशेंट कंफ्यूज हो तो हम पे चिल्लाने का नहीं, आगे क्या करना है बोल। ए फोन रख, बाद में बात करता हूं। अरे बाबा क्या हो रहा है? हेलो यजमान आप कहाँ हैं? रॉन्ग नंबर। अरे पिछले 3 घंटे से शमशान भूमि में आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपने अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए मुझे बुलाया था। वो क्या है कि पंडित जी वो बॉडी नहीं है। बॉडी नहीं है मतलब? नहीं मतलब बॉडी है, डेड बॉडी नहीं है। अरे यार क्या तू जब मर गया हो किधर है? 2 हफ्ते से हमें बुला के रखा हुआ है, जा ही नहीं रहे। तुम्हारा बॉडी वहाँ पे टाइम पास करेगा, उसमें हमारा टाइम खोटी होता है ना। देख मैं शांतु मित्र ना, मैं आने जाने का भाड़ा वसूल करके देर से, तू जानता नहीं मेरे को, पहचानता नहीं मेरे को। प्रणाम पंडित जी। सब लोग बाहर, लड़का लड़के और माँ बाप छोड़ के सब लोग बाहर, सब बाहर निकलो निकलो। तुम लोग क्या बारात में आए हो? तुम लोग भी बाहर चलो चलो, कोई नहीं चाहिए मेरे को यहाँ पर, तमाशा लगा रखा है। पुलिस स्टेशन आगे बच्ची बजा रहे, चलो उठ साहब, उठ खड़ा साहब, साहब 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 मेरे को एक साहब इधर है साहब, आवा मेरे को एक चांस दो साहब, मैं फोन 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 करने दो, फोन करने दो, मैं साबित कर रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। रॉकी इज राइट, इसने ही मुझे इस लड़की से मिलाया था। आई टेल यू ये बहुत आगे जाएगी, इसे एक्टिंग करने दो, ये यूं देखते 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 ऊपर जाएगी। यूं देखते देखते जाएगी तो आप भी यूं देखते रहो, और अपनी ये पिक्चर को रखो अपनी जेब में, और ये भी सुन ले ये जो शादी करने तू जा रही है ना, आज से हम तेरे माँ बाप नहीं रहेंगे समझी तू, और तू घर चलते तो ऐसे मार। जरा एक मिनट, अब मैं जरा चलो, अब क्या है? अभी चल, चल एक मिनट, क्या कहना है? बस चलो उधर, क्या है? हाँ उधर
देखिए पिक्चर तो मैं करने वाली हूँ, चाहे आप लोग जो भी कर लो, पर मैं कौन सा सच की शादी करने वाली थी? मैं थोड़ी उस बेवकूफ से शादी करूंगी। वैसे भी ये कपड़े भी तो मतलब किराए के हैं, मैं किराए के कपड़ों में शादी करूंगी? हम मंदिर जा रहे थे, थोड़ी कोई कोर्ट जा रहे थे, है ना? डायरेक्टर ना रॉकी का दोस्त है, तो ये सब नाटक करना पड़ेगा वरना पिक्चर हाथ से निकल जाएगी। और पिक्चर तो मैं करूंगी, चाहे आप लोग कुछ भी कर लो। ए, कान के नीचे आलोक। आलोक हाँ बोलो। आलोक क्या हुआ? देवेन, देवेन गया। चलो चलो भाई, फिर से सब तैयारी करनी पड़ेगी अंतिम संस्कार की। चलो चलो चलो। अरे सब क्या सोचेंगे हैं? सबसे बड़े भाई हो तो मैं सिर उठ के बैठ जाओगे? सब अंदर आ गए, चलो ना। मैं नहीं भूल सकता, साथ साथ पले बड़े हुए, बच्चों की तरह पाला इन दोनों को मैंने, और मुझसे बात छुपाई। और उसे क्या लगा उसकी खुशी से मैं जल जाऊंगा? बिल्कुल सही कह रहे तू, बिल्कुल सही कह रहे। पर अब गुस्से से क्या फायदा? नहीं देख, जाने वाला तो चला गया ना, हा? अब तू जिंदगी भर ये बोझ लेकर घूमता रहेगा क्या? लेकिन ठेस तो लगती है ना जीजी, हाँ इतना बस आ ही रहे थे। अब इतना कुछ हो गया, उसमें याद नहीं रहा। आप लोगों को कुछ बातें बतानी थी, अभी सब लोग हैं तो बेहतर है कह दूं। अब भाई साहब ये ना आलोक को ये पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स देकर गए थे, कहते थे कि मेरे जाने के बाद जब ये फ्लैट बिकेगा तो आलोक का जो हक है वो सिर्फ उनके हिस्से पे होगा, वो पूरे फ्लैट पे नहीं होगा। जी ताऊ जी, होगा तो वही जो पापा चाहते थे। भाई साहब एक बात और थी, इनको ना बड़ा गर्व था अपने भाइयों पर। उसे हमेशा कहते थे देखो कादम्बरी, मेरे भाइयों ने आज तक मुझसे वो बाबा वाले फ्लैट पर कोई सवाल नहीं किया, वरना प्रॉपर्टी पर लोगों की नियत फिसलते कोई देर नहीं लगती। और इस विश्वास और प्यार के बदले वो कुछ करना चाहते थे। तो बहुत साल पहले ना इनके दोस्त का एक फ्लैट बिक रहा था बहुत सस्ते दामों में, तो इन्होंने लोन ले लिया, अपने पास जितना भी पैसा था वो सब लगाकर वो फ्लैट खरीद लिया। कहते थे कि कई सालों बाद जब वो फ्लैट बिकेगा तो सारे भाई मिलकर मुनाफा बांट लेंगे, तब तक बच्चे भी बड़े हो जाएंगे तो सबके काम आ जाएगा। ये पास में है पनवेल में, सरप्राइज देना चाहते थे आप सबको, पर अब वो तो रहे नहीं ये सब देखने के लिए। तो भाई साहब आप सबको संभाल रहे हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, तो ये भी आप ही रख लीजिए। अरे लेकिन कादंबरी नहीं भाई साहब, प्लीज धीरे जैसा गंगा भाई, इसलिए भगवान ने उसे अपने पास जल्दी बुला लिया। अच्छे लोगों की भगवान को बहुत जरूरत होती है। देवो भैया चलो मेरे देवो भैया। साड़ी आप लखनऊ से साथ लेकर आए हैं? हेलो, मैं आ गया, रुको।
Rosam Dara Dara. आइए देखते हैं।